नारिन कुनाडा पृथ्वी पर आकाश के सबसे करीब बसा हुआ स्थान जहां लोग बादलों के ऊपर रहते हैं। इस अत्यधिक ऊंचाई पर 5100 मीटर वायुमंडल काफी पतला हो जाता है और स्थानीय लोग केवल 50% सामान्य ऑक्सीजन लेवल के साथ जीवन बिता रहे हैं। उनके शरीर कुछ ऐसे विकसित हुए हैं कि वो हमसे 2 गुना अधिक रक्त कोशिकाएं बना सके। इस बंजर भूमि पर इतना कम एयर प्रेशर है कि एक भी पेड़ सर्वाइव नहीं कर सकता। ये शहर पेरू के एंडीज में स्थित है और यहां की ऊंचाई यूरोप के एल्प्स में स्थित जो कि सबसे ऊंची चोटी है से भी 300 मीटर ज्यादा है। यह एक ऐसी जगह है जो आधुनिक जीवन से बहुत दूर है और जहां अपराध और खतरा हमेशा करीब रहता है। इस मुश्किल जगह पर लोगों के आने का एक ही कारण है, सोना। कूड़े के ढेर के बीच रहकर और अमीर बनने की उम्मीद में लगभग 50,000 लोग यहां आ गए हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे शहर में लोग कैसे रहते हैं। ऑक्सीजन टैंक दे सकते हो जो लोग समुद्र तल पर रहने के आदि हैं, अगर वे एक दिन में 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो उन्हें माउंटेन सिकनेस हो सकती है, लेकिन हमने पहले ही उस ऊंचाई को 2 गुना कर दिया है। गहरी सांस लो। सिर दर्द, चक्कर आना और जी मचलाना इसके पहले लक्षण है। बाद में खांसी आती है जो आपको सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से होती है। तेजी से बढ़ने वाली ऊंचाई की बीमारी के कारण फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होता है। तुरंत सहायता प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जो लोग अधिक ऊंचाई पर रहते हैं वे सांस लेते समय लगभग 2 गुना पानी खो देते हैं, इसलिए बहुत सारा पानी पीना महत्वपूर्ण है। यहाँ की ऊंचाई देखो दोस्त, वो पहाड़ों से बादल जितना ऊंचा है तो हम बादलों के ऊपर जाएंगे। हम ठीक हैं, हमारी चिंता मत करो। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हम इससे सांस लेते जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने इससे निपटने का एक तरीका ढूंढ लिया है। वायुमंडल की परत पतली होती जाती है जिससे हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हमें इसकी आदत हो जाएगी। हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वो एक माइनिंग शहर है। बस्ती की जमीन और खेती का पानी पानी साइनाइड और मर्क्यूरी जैसे खतरनाक केमिकल से दूषित हो गए हैं जिनका इस्तेमाल सोने को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इसलिए हमने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हमारे साथ ढेर सारा खाना और साफ पानी ले लिया है। हम यहीं पैदा हुए हैं और हमने इस ऊंचाई के लिए खुद को अच्छे से ढाल लिया है। हमारे खून में ऑक्सीजन का सामान्य लेवल 95 से 100% के बीच होना चाहिए। जब ऑक्सीजन का लेवल 80% से नीचे चला जाता है तो ये महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता है। मैं अपने ऑक्सीजन लेवल को 72% पर वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए ही काम करेगा क्योंकि हम हर मिनट ऊपर जा रहे हैं। मीलों तक शहरों के चारों ओर ढेर सारा कूड़ा कचरा फैला हुआ है। यहाँ पेड़ पौधों की जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे एक तेज बदबू से मेरा सिर चकरा गया। हम लारिन कुनाडा में अपने होटल में हैं। हमारा गाइड हमारे लिए ऑक्सीजन टैंक सेटअप कर रहा है। इस होटल का नाम क्या है? CLO मतलब आकाश। पहले 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल करें और फिर थोड़ा ब्रेक लें और फिर दोबारा 5 मिनट लें। आपको अपने शरीर को इस ऊंचाई में ढालने के लिए बस थोड़ा समय और आराम चाहिए। जब मैं कार से बाहर निकला तो मुझे चक्कर आ रहे थे, ऐसा लगा जैसे मैं गिरने वाला हूँ। ये नॉर्मल है। चूंकि यहाँ कोई बैंक नहीं है इसलिए लोग अपनी नकदी और सोना अपने पास ही रखते हैं, जिससे चोरी और लूटमार जैसे अपराध बहुत आम हो जाते हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए 2 पुलिसकर्मियों के साथ काम कर रहे हैं कि हम फिल्म बनाते समय सुरक्षित रहें। अंडरकवर पुलिस है और हम जहाँ भी जाएंगे वे हमारे पीछे आएंगे। मार्को ने कोका की पत्तियों की तरफ इशारा किया क्योंकि वो सोचता है कि ऊंचाई की बीमारी से बचने का एक उपाय है जो यहाँ आम बात है। कोका की पत्ती? हाँ, कोका। मुझे लगता है कि वे ऊंचाई से होने वाली परेशानी से बचने के लिए इसे खाते हैं। वे अपने मुंह में एक तरफ 3 या 4 पत्तियां चबाते हैं। ज्यादातर देशों में इन पत्तियों को गाना गैर कानूनी है। यह एक तरह से हमें सुन्न करती है जो लोगों को रिलैक्स होने में मदद करती है। ये लगभग अचीज के लिए अच्छा। हो सकता है कि कोई पुलिस अधिकारी से ले जा सके। एक बहुत ही व्यस्त और थका देने वाला दिन खत्म हुआ और अगले दिन हम दोबारा इस शहर की खोज करेंगे। सूरज निकलने के साथ हम लारिन कुनाडा के सेंटर में आए हैं। पुलिस हमारे साथ है। हमारे आसपास का इलाका स्थानीय कैफे बाजारों और लोगों से भरा हुआ है। भले ही मैं अभी भी उठाऊं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कई दिनों से आराम नहीं किया है। चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे चक्कर और उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। शुष्क हवा से मेरे गले में खराश और मेरे होंठ फट चुके हैं। जैसे जैसे दिन निकलने लगा हमें सड़कों पर कूड़े के ढेर दिखाई देने लगे। भले ही ये गर्मी का मौसम है लेकिन फिर भी यहाँ जमीन जमी हुई है। इस जगह पर जहाँ रात का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, लोग बिना बिजली या हीटिंग के पतरे के झोपड़ियों में रह रहे हैं। इन घरों में कोई किचन या बाथरूम नहीं है और हजारों लोगों को अपनी निजी जरूरतों के लिए पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। शहर के ऊपर जा रही जाल की तरह दिखने वाली ये नलियाँ पानी को ग्लेशियर से शहर तक लाती हैं। यहाँ पर लगभग कोई भी मूल रूप से इस जगह का नहीं है। ज्यादातर लोग पेरू के अन्य हिस्सों से खुदाई से अमीर बनने का सपना लेकर यहाँ आए हैं। 2001 और 2012 के बीच सोने की कीमतें 6 गुना बढ़ी जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों ने इस क्षेत्र का रुख किया, लेकिन यहाँ रहने वाले 50,000 लोगों को भयानक हालात से जूझना पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या को संभालने वाली सुविधाओं के निर्माण के लिए कोई काम नहीं किया गया है। हर दिन हजारों लोग अपना कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं जिससे वे कूड़ेदान की तरह दिखती है। इस कूड़े को उठाने के लिए कोई सरकारी सेवाएं नहीं है, लोग अपने दम पर हैं। सबसे ज्यादा डरावनी समस्या ये है कि यहाँ कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। गंदा पानी सीधे सड़कों पर बहता है। इस फुटबॉल मैदान पर असली घास नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते। ये शहर ला बेला ड्यूरमिएंटे नामक पर्वत के पास स्थित है जिसका मतलब है स्लीपिंग ब्यूटी। क्या आप इसे देख सकते हैं? चेहरा और शरीर, ये एक सोई हुई औरत के आकार का पर्वत है।
शहर अपनी ग्रे इमारतों के साथ आकाश में विलीन हो जाता है। हर सुबह वर्कर्स कई किलोमीटर तक पैदल चलकर खदानों तक पहुंचते हैं। इन गुफाओं में काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह खतरनाक गैसों से भरी हुई है। लारिन कोनाडा का एक अलग नाम द डेविल्स पैराडाइज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां की खदानें आपराधिक कंपनियों द्वारा चलाई गई है। बिना इजाजत के सुरंगों के अंदर जाने वाले को गोली मारने के आदेश है। हम इन खदानों को अंदर से देखना चाहते हैं, भले ही लोगों ने हमें ऐसा न करने की चेतावनी दी है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। हमारे दोस्त ने कहा है कि शायद हम करीब जा सकते हैं। क्या आप उस महिला को देख सकते हैं? महिला? हाँ, वहाँ एक महिला है। वे बचा हुआ खाना इकट्ठा करती हैं। हाँ। महिलाओं को खदानों में काम करने की इजाजत नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर कोई महिला स्लीपिंग ब्यूटी के सोने को छूती है तो उससे जलन होगी और भूकंप जैसी बुरी घटनाएं घटेंगी। वे खदानों के बाहर फेंके गए पत्थरों में सोना खोजकर अपनी रोजी रोटी कमाती हैं। पहाड़ पर सोना खोज रहे बच्चों के गालों पर फ्रॉस्ट बाइट के निशान देखे जा सकते हैं। विदेशी होने के कारण बहुत से लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैंने सुरंगों के अंदर का फुटेज कैप्चर करने के लिए मार्को को अपना फोन दे दिया। खदान के पास सूखे फूलों, फलों और शराब की बोतलों से सजी ये पहाड़ी देवताओं की मूर्तियां हैं। वर्कर्स यहां दुर्घटनाओं से करने और सोना खोजने में कामयाब होने की प्रार्थना करने आते हैं। यहाँ विस्फोट, छत के ढहने और गैस विषाक्तता जैसी घटनाएं उन्नत देशों की तुलना में लगभग 25 गुना अधिक बार होती है। अगर किसी वर्कर की मौत हो जाती है तो कंपनी इसकी भरपाई के लिए लगभग $600 देती है। लारिन कोनाडा में सामान्य वेतन जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ आज भी कैचोरियो नाम का एक पुराना और अवैध तरीका इस्तेमाल किया जाता है। वर्कर्स पूरे एक महीने तक कंपनी के लिए बिना वेतन के काम करते हैं। वे अपने लिए काम करते हैं और इस दिन उन्हें जो भी सोना मिलता है वो उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। वे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं या मुफ्त में भी काम कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैचोरियो का दिन कितना अच्छा बीतता है। देखा जाए तो उनकी आय उनके भाग्य पर निर्धारित होती है। कुछ माइनर्स अच्छे दिखने वाले पत्थरों को छिपा लेते हैं या कैचोरियो दिन तक किसी गुप्त स्थान पर छिपा कर रखते हैं। मेरा ऑक्सीजन लेवल अब 65% है, जो नॉर्मल से काफी कम है। मैं ज्यादा सांस ले रहा हूँ और मेरी हार्ट रेट 120 से ज्यादा हो गई है, जबकि यह 80 और 100 के बीच होनी चाहिए। अभी एक स्थानीय व्यक्ति उसका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा है। उसके परिणाम मेरे परिणामों से कहीं बेहतर है। 82% ऑक्सीजन और 97 की हृदय गति। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कुछ ऑक्सीजन लेने के लिए होटल वापस जा रहा हूँ। मैंने गर्म रहने के लिए अपना कोट पहन रखा है क्योंकि वहाँ कोई हीटिंग नहीं है। अब हमें शहर के खतरनाक नाइट लाइफ का पता लगाने और कुछ माइनस से बात करने के लिए कुछ घंटे इंतजार करना होगा। आराम करते हुए मैं आपको सोने की असली कीमत के बारे में बताना चाहता हूँ। 8 ग्राम की सोने की अंगूठी तैयार करते समय लगभग 20 टन कचरा तैयार होता है। पहाड़ की चोटी पर सोने के लिए निकाले गए पत्थरों से एक एसिड माइन झील तैयार हुई है। आयरन सल्फेट से भरपूर ये पत्थर पानी और हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसा गहरा लाल रंग मिलता है। झील के किनारे रहने वाले लोग मर्क्यूरी और साइनाइड से दूषित पानी में अपनी फसलें उगाते हैं और अपने जानवरों को पालते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की औसत उम्र सिर्फ 35 साल है, लेकिन इसके लिए सिर्फ केमिकल्स ही जिम्मेदार नहीं है। इस ऊंचाई पर आपको हर सांस में लगभग 50% कम ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए लारिन कोनाडो निवासी का खून एक औसत व्यक्ति की तुलना में दोगुना गाढ़ा होता है, जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती है। एक मुश्किल दिन के बाद माइनर्स टाउन सेंटर की ओर भाग रहे हैं। यहाँ केवल कुछ ही सड़कों पर बिजली उपलब्ध है, जिससे शहर का बाकी हिस्सा अंधेरे में रहता है। सभी माइन वर्कर्स यहीं पर हैं, खरीदारी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। चारों ओर स्टॉल और छोटी छोटी दुकानें हैं और यहाँ स्ट्रीट फूड, कपड़े, घरेलू सामान जैसी चीजें बिक रही हैं। बच्चे देर रात तक एक साथ बाहर खेलते हैं। उसकी क्या उम्र है? 12। ए, क्या यहाँ सिर्फ एक ही स्कूल है? हाँ। स्कूल कितना बड़ा है? ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या वहाँ कॉलेज है? नहीं, कॉलेज नहीं है। आगे की पढ़ाई के लिए जाना होगा पुनो या जूलिया। अगर वे नहीं गए तो क्या होगा? क्या वे भी खदानों में काम करना शुरू कर देंगे? हाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग सोने के बदले में सोलिस लेने आते हैं, जो इस देश की मुद्रा है। अभी हम दूसरे एक्सचेंज ऑफिस में हैं। लुटेरों और हमलावरों से बचने के लिए इन्होंने काउंटर के सामने लोहे की सलाखें लगाई हैं। अब हम देखेंगे कि वे सोने को कैसे कन्वर्ट करते हैं। मुझे थोड़ी सांस लेने दो यार। आप जो टुकड़ा देख रहे हैं वो एक वर्कर की पूरे महीने की मेहनत का नतीजा है। अभी सोना मर्क्यूरी के साथ मिला हुआ है और दोनों धातुओं को अलग करने के लिए ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल किया जाएगा। 1 ग्राम सोने के लिए लगभग 2 ग्राम मर्क्यूरी हवा में मिल जाती है। इस काम को करने का सबसे कठिन हिस्सा क्या है? सामान का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चोर और लुटेरे हैं, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन में खतरा होता है। इन्हें लारिन कोनाडा के बारे में क्या पसंद है? वैसे तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ सब कुछ दूषित है। आप अच्छी कमाई तो कर सकती हो, देश की औसत से ऊपर कमाई हो जाती है, इसलिए लोग यहाँ आ रहे हैं। हाँ। सिरदर्द और थकान जैसे लक्षणों को कम करने के लिए यहाँ कई तरह की हर्बल चाय बेची जाती है। हम इसे कहते हैं इमोलिये। ये किससे बनी है? पानी, अलग अलग जड़ी बूटियाँ और सिरप। ये वाकई अच्छा है, थोड़ा ट्राई करो। ये भारी है, इसे पीना बहुत मुश्किल है। हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, ये सुरक्षित नहीं है। आगे ना तो बिजली है ना ही रोशनी,
तो यही रुक जाना बेहतर है। ज्यादातर माइनर्स अपनी मेहनत की कमाई इन सड़कों पर शराब और नाइट लाइफ में खर्च करते हैं। अगर रहने और काम करने की परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति को नहीं मारती है तो चाकू या एड्स मार देता है। लॉरेन कोनाडा में नाइट क्लब सबसे खतरनाक स्थान है। इस सड़क पर माइन वर्कर्स के लिए बार, नाइट क्लब और वेश्यावृत्ति के विकल्प हैं। हम लॉरेन कोनाडा के सेंटर में हैं, जो मानव तस्करी, डकैती और हत्या का मुख्य स्थान है। आप वहाँ देख सकते हैं, वो वहाँ पे एक महिला फूल बेच रही है। बहुत से लोग यहाँ महिलाओं के लिए गुलाब के फूल खरीदते रहते हैं। पुनो पुलिस के अनुसार इस शहर में लगभग 2500 कम उम्र की लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। शहर में केवल एक पुलिस स्टेशन है और पेरू सरकार इन अपराधों से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। क्या यहाँ कोई जेल है? नहीं, यहाँ एक छोटी जगह है जिसे हम कैला बोजो कहते हैं। छोटी सी जगह है। शहर में कोई अस्पताल तो होगा, है ना? हाँ, छोटा, एक बहुत छोटा क्लिनिक है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 या 3 कमरे हैं। अब हम एक माइनर से मिल रहे हैं जो 12 सालों से लॉरेन कोनाडा में काम कर रहा है। वो शहर के एकमात्र जिम का मालिक भी है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद कुछ माइनर्स अपना पसीना बहाना जारी रखते हैं। रामिरो खुशकिस्मत माइनर्स में से एक है। आपको अब तक मिला हुआ सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा कितने ग्राम का था? 200 ग्राम। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ही टुकड़े में 200 ग्राम सोना मिला था। ये काफी बड़ी मात्रा है। क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्या आप अपने बच्चों को खदानों में काम करने की सलाह देंगे? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ माइनर्स को लूट लेते हैं। ऊंचाई का आपके शरीर पर क्या असर होता है? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, भले ही मैं पुनो से हूँ, फिर भी मुझे यहाँ तकलीफ होती है। इसलिए यहाँ 5000 मीटर्स पर आना और भी चुनौतीपूर्ण है। पहले कुछ पाचन समस्याएं होती हैं और 3 दिनों तक शरीर में दर्द रहता है। 3 दिनों के बाद हमारा शरीर इसके अनुकूल हो जाता है। औसतन एक माइनर कितना पैसा कमाता है? यह बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, नीचे और ऊपर होता रहता है। हर व्यक्ति 2000 या उससे थोड़ा ज्यादा कमा सकता है। खदानों में काम करने से आपके हाथ बहुत प्रभावित होते हैं। एक बार पत्थर से सोना अलग करने की कोशिश करते समय मुझे चोट लगी थी। मैं दूसरा पत्थर मार के उसे अलग कर रहा था और अचानक बैम, यहाँ अक्सर चोट लगने का जोखिम रहता है। क्या कभी कोई माइनर मारा गया है? यह अक्सर होता रहता है। लोग कहते हैं कि खदाने मजबूत लोगों के लिए हैं, हालांकि उनका मतलब सिर्फ मांसपेशियों की ताकत से नहीं है। मुख्य रूप से ये मानसिक शक्ति, लचीलेपन, महारत और ऊंचाई पर सोच पाने के बारे में है। ये इतना आसान नहीं है। हम समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर है। भले ही लॉरेन कोनाडा आने और सोने का एक बड़ा टुकड़ा खोजने का सपना बाहर से आकर्षक लगता है, लेकिन ज्यादातर माइनर्स और उनके परिवार कभी भी वो दौलत हासिल नहीं कर पाते जो वे चाहते हैं। पेरू सरकार सोने की खदानों में अवैध कारोबार और वर्कर्स के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में सालों से चुप है। इन सभी स्थितियों के बावजूद लोग दुनिया की सबसे ऊंची बस्ती में बेहतर जीवन का मौका तलाशते रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप नई डॉक्यूमेंट्रीज को मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। रूही चैनित यहाँ पर था।